जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास हमारी है, आज फिर से दूसरी क्लास आ गई है, ये बोट एंड स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चंस। और बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में देखा था और आज हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहे हैं जो कि हमारे हर कम्पिटिटिव को जो है वो फुलफिल करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए इसी चैनल पे, और आप इस चैनल को पर ही सारे एग्जाम्स की इकट्ठी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसी बात से। तो पहला सवाल ये रहा आपका, सभी स्टार्ट कर दे। पहला क्वेश्चन है, मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है। यानी कि शांत जल में जो है वो मोहन 12 किलोमीटर जो है वो तैर रहा है या तैर सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है। और 2.5 किलोमीटर की रफ्तार वाली नदी के विपरीत वे 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। क्वेश्चन ये बन रहा है, ठीक है। तो किस प्रकार से होगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। मोहन जो है नदी में अगर की बात करें तो वो विपरीत नदी के, देखिए 12 किलोमीटर तैर सकता है लेता है, ठीक है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, किस चीज की है, ये नदी की रफ्तार है। और 2.5 घंटे में वो दूरी कितनी दूरी तय करेगा, ये दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले तो उसकी बंदे की जो कैपेसिटी है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की, और नदी की रफ्तार में विपरीत दिशा में, क्योंकि उसने विपरीत जाना है, उल्टा आना है, यानी कि पानी नीचे को जा रहा है तो वो बंदा ऊपर को आ रहा है, इसलिए दोनों की चालें आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। बहुत ही बढ़िया बात है, ये आपको याद रखना है। अगर दोनों एक ही फ्लो में करते तो प्लस हो जाती है, तो कितना हो गया ये, ठीक है। तो कहां पे डिस्टेंस, ये नहीं है प्रति घंटा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल होगी है एक घंटा और घंटे में 12 किलोमीटर तैर रहा है, ये एक प्रकार की चाल है, पूछने का तरीका बदला है, ठीक है। तो 12 में से आपके जो है 2.5 चले जाते हैं तो कितने बच गए, 9.5 किलोमीटर पर आवर। और इन्होंने हमसे डिस्टेंस पूछा है, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम आपके पास 2.5 घंटे आ जाएंगे, स्पीड आपकी 9.5 घंटे है, इसलिए घंटे घंटे ही रहेंगे, 2.5 हो जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा जी, 23.75 किलोमीटर, ठीक है जी। तो 23.75 किलोमीटर की जो है वो दूरी तय करेगा, ये इसका हल होगा। क्लियर है, सभी को क्लियर हो तो जल्दी से अपना कमेंट कर दिया करो, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। एक स्टीमर है धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। एक स्टीमर है जो धारा की विपरीत, यानी कि धारा अगर पानी का फ्लो नीचे को है तो वो ऊपर को आ रहा है, तो 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए, स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को, अब ध्यान से सुनिए और देखिए। मान लेते हैं कि स्टीमर की चाल क्या है, एक्स है, ठीक है जी। तो विपरीत दिशा में उसकी चाल कितनी है जी, 3 घंटे में तय कर रहा है वो, तो एक्स माइनस 3 होगी अपोजिट साइड, ठीक है जी। अपोजिट में हो गया ना, विपरीत में, ठीक है जी। और स्टीमर की भी लिख लेनी है चाल, स्पीड, स्टीमर इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया एक्स माइनस 3 हो गया। क्लियर हो गया, अब हमें पता है कि चाल बराबर है दूरी बटा समय, क्या है,
चाल बराबर है, यानी कि स्पीड बराबर है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड कितनी होगी हमारी, एक्स माइनस थ्री। डिस्टेंस कितना हो गया 70। टाइम कितना हो गया बेटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो 3 घंटे ये आ गया, है ना। ठीक है जी, तो 3 की जो उसकी चाल थी ना, 3 घंटे ये वाला आ गया। ठीक हो गया। अब 3x-9=72। 9 इस साइड ले जाओ, 3x=72+9 कितने हो गए, 9 के आगे 10, 11, 1 और 81। x इज इक्वल टू 3, 3 दूनी 6, 3 सत 21। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा 27, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो जो इसकी चाल है वो निकल जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है सबको। अगला सवाल, एक मोटर बोट है शांत जल में इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तेज चलता है, यदि जल प्रवाह के विपरीत ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 4 घंटे में तय करता है तो प्रवाह की गति क्या है, जल के प्रवाह की गति क्या है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो जल के प्रवाह की गति x माननी पड़ेगी, फिर इसमें क्या हुआ कि उसकी जो तेज चलता है और विपरीत में उसकी चाल कितनी है, जल प्रवाह में विपरीत में 60 है। अब देखो, अगर आपके जल प्रवाह में जो इसकी अगर आपने x मानी है ना, तो अपोजिट में क्या आएगी, x-60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x-60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x-60 हो जाएगा, ये होगा। फिर से करो करो करो, ध्यान से करो, x-60 कैसे होगा, तो क्या होगा फिर, क्यों होगा, क्योंकि हमारी जो सबसे पहले कोई स्टीमर शांत जल में इतने किलोमीटर तेज से चलता है, ठीक है, और यदि प्रवाह के विपरीत चले तो वो इतनी दूरी इतने घंटे में तय करता है। ये आगे के लिए बोला है आपको, यहां पर ये चीज दी हुई है, वो टोटल में से शांत जल में चल रहा है उसकी अपनी चाल से, इसलिए 18.5-x होना था प्यारे बच्चों। ठीक है जी, अब क्या है, चाल बराबर कितनी होगी जी, दूरी बटा समय। ठीक है जी, दूरी बटा समय, तो इसकी x क्या आ गया 18.5-x, डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 60 ही आ जाएगा, ओवर 4 ही आ जाएगा। अब कर लो कैलकुलेट, कर लो कैलकुलेट भैया, कितना आ जाएगा 4 × 4 = 4, 5 = 20, 18.5 ये साइड आएगा -15 = x, कितना हो गया आपका आंसर 3.5, बिल्कुल सही आंसर। सही है कि नहीं है ये बताओ, समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है तो जल्दी से बताएं। ठीक है जी, ठीक है, अगला सवाल है, कुल्लू नहीं है, कल्लू है, ठीक है, कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर की दूरी अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आ जाता है, मतलब एक तरफ को जाता है और फिर वापस भी आ जा रहा है। ठीक है, ये दोनों बातें बोलने हैं, तो नदी की चाल यानी कि नाव की चाल भी बतानी है और नदी की चाल भी, दोनों ही है, नाव की भी और नदी की, दोनों चालें बतानी है आपने। तो सबसे पहले
कैसे निकालेंगे बेटा? जल प्रवाह में के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों निकालनी पड़ेगी हमें। पहले जल के अनुकूल निकालते हैं, यानी कि जो कि एक प्रॉपरली होता है अनुकूल। अनुकूल मतलब अनुकूल हाँ, एक अपस्ट्रीम एक डाउनस्ट्रीम के लिए। अनुकूल ठीक है, और एक आ जाएगा प्रतिकूल। ठीक है जी, अब अनुकूल में जो है वो कितनी चाल हो जाएगी जी? तो अनुकूल में जो है इसकी पहले तो स्पीड देखिए, स्पीड ही है ये, दोनों स्पीड के लिए निकाल रहे हैं, स्पीड ही है भैया। ठीक है, तो अनुकूल में इसकी स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। इसमें भी सर डिस्टेंस ओवर टाइम ही आएगा, कोई डिफरेंट थोड़ी है ना बेटा। ठीक है, तो अब डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? 75 किलोमीटर। ठीक है, तो 75 किलोमीटर जो है वो कितने समय में कर रही है बोलना? जब अब नाव 3 घंटे में जाती है यानी कि नीचे को जा रही है तो अनुकूल हुआ, तो यानी कि 75 किलोमीटर 3 घंटे में। विपरीत आ रही है तो प्रतिकूल हुआ, उल्टा हुआ, तो 75 ही चल रही है चाल, तो मतलब डिस्टेंस बराबर बराबर ही तय कर रही है। तो अब कब कितने में कर रही है? 5 कर रही है। बोलो इतना समझ आया? ठीक है जी, 3 से काट दो, 3 एकम 3, नहीं सॉरी 3 दूनी 6 और 3 5 15, इसका तो आ गया 25, इसका भी 5 एकम 5 5 25, इसका आ गया 15। बोलो अनुकूल और प्रतिकूल की निकला नहीं निकला स्पीड? हाँ या ना में जवाब दे दो। अनुकूल में तो निकल गया, अब बोला है नदी की चाल निकालनी। क्या निकालनी है? नदी की चाल। मैं आपको दोनों चीजें सिखाऊंगा, नाव की चाल भी निकालना सिखा रहा हूँ शांत जल में और नदी की चाल भी। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को या मेथड को भी याद रख लेना। अगर हमें शांत जल में निकालनी है, किसमें निकालनी है? शांत जल में। स्टिल वाटर, यानी कि स्टिल वाटर। ठीक है, शांत जल में अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को प्लस करते हैं। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे, 25 + 15/2 कर देंगे। और अगर आपको नदी की चाल निकालनी है यानी कि फ्लो स्पीड ऑफ द रिवर, स्पीड ऑफ रिवर, तो माइनस कर देते हैं 25 - 15/2, तो इसका कितना आ जाएगा बोलो? 5 5 10, ये आ गया 2 1 3 1 4 हो जाएंगे 40, कितना आ गया 20, आया कि नहीं आया समझ? और इसका 5 ये 0 हो गया और इसका 10 आ गया है ना भैया, 2 से गए तो कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। अब बताओ स्पीड स्टील वाटर में भी निकल रही है, स्पीड आपकी रिवर की भी निकल रही है, तो कितना कितना आ रहा है हमारा? एक आ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर पर आवर में ही आएगी ना स्पीड। ठीक है, और 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका हल रहेगा। 5 किलोमीटर पर आवर भी निकाल दिया है, इसमें आंसर मिस है थोड़ा सा, और 20 भी किलोमीटर पर आवर, ये दोनों ही पूछे थे, तो ये आपका आंसर होना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ बच्चों। अब एक और क्वेश्चन लगाएंगे, अब बहुत अच्छे से मेथड लेकर आया हूं मैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आप पढ़ने की कोशिश करिए, कोई इशू नहीं है। एक व्यक्ति है शांत जल में 10 की चाल से नाव चलाता है, जबकि नदी जल के प्रवाह में 2 घंटा किलोमीटर प्रति घंटा है और अनुकूल जो है वो 24 है, 16 प्रतिकूल है, तो कितना समय लगेगा? ठीक है, अब अनुकूल है, ठीक है कोई बात नहीं, शांत जल में उसकी स्पीड दी हुई है, शांत जल में दी है, नदी के जल प्रवाह भी दिया हुआ है, नदी इस साइड को बह रही है, तो यानी कि अनुकूल में यानी कि बह रही है, तो 10 + 2 कितने हो गया? 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, और 16 जो है वो प्रतिकूल में है, कितना है? 16 प्रतिकूल में है, मगर प्रतिकूल के लिए अगर अनुकूल इस साइड को फ्लो कर रहा है तो वो उतना ही फ्लो कर रहा है जितनी की वो उसकी स्पीड थी, तो पानी का भी फ्लो था, पर जब अपोजिट आएगा तो प्रतिकूल में कितना हो जाएगा जब इस साइड को आएगा, तो
तो 10-2 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये हमने अनुकूल की स्पीड निकाल ली और प्रतिकूल की निकाल ली। इसके बाद की अगली बात करते हैं, ठीक है जी। अब टोटल आने जाने में कितना समय लगा, ठीक है, कितना समय लगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, ठीक है। तो समय जो होता है टाइम, वो कितना होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब आपके पास टोटल डिस्टेंस पहली बारी में वो जब गया तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के से गया, तो उसने टोटल दूरी तो 24 की, 12 की स्पीड से, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा बोलो, 12 × 24 = 2, ठीक है। जब वापिस आया तो भी उसने डिस्टेंस तो बराबर कन्वर्ट लिया है, पर आती वक्त कितना लिया है उसने प्रतिकूल पे, 8 × 8 = 24, कितना हो गया 3, और टोटल कितना हो गया 5, कितना हो गया 16। अच्छा आती वक्त 16 प्रतिकूल, आती वक्त 16 है भैया, इसलिए यहां पर चेंज हुआ था। तो 8 × 8 × 16 = 2, ये आ गया, तो 2 × 2 = 4 आएगा। यहां पर मिस हुआ था, 16 किलोमीटर प्रतिकूल का है, इसलिए प्रतिकूल आपने जो है वो 16 डालना था, ना कि 8 डालना था। क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है जी, एक नाव नदी के साथ एक साथ से दूसरे स्थान तक जाने में और पुनः वापस आने में, एक स्थान से दूसरी साइड, दूसरी से वापस आने में 4 घंटे का समय लेते हैं। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों के स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, बहुत ही अच्छा उमदा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो अनुकूल और प्रतिकूल में निकाल लो। अनुकूल में आ गया 4, ये घंटे में समय लेता ही है। अब वेग जो है वो 2 का है तो इसलिए उसका हो गया 6 किलोमीटर/आवर होगी उसकी स्पीड। जब वापिस को आएगा तो क्या आएगा, 4 - 2, ये तो एंगल पता लग रहा है ना, अनुकूल और प्रतिकूल की बात कर रहा हूं, तो कितना आ गया 2 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। इतना समझ आ गया जी, अगर इतना आ गया तो बस सारा हो गया क्वेश्चन। अब 4 किलोमीटर/घंटा हो तो क्या पूछा है, नाव की चाल, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस होता है क्या है, स्पीड इनटू टाइम होता है, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो ठीक है, डिस्टेंस निकालना है तो, और स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अभी हमारे पास स्पीड दी हुई है, स्पीड क्या दी हुई है, आने जाने में कितनी स्पीड लगा रहा है वो, 4 की, ठीक है जी। तो 4 की लगा रहा है तो 4 ये आ गया इक्वल टू डिस्टेंस, कितना कवर कर रहा है वही तो निकालना है, ठीक है। उसकी स्पीड क्या है, अनुकूल की 6 है, प्रतिकूल की 2 है, ले लो एलसीएम कर लो क्वेश्चन, और क्या तसल्ली हो जाएगी जी। 6 तो एक्स आ गया 2 × 3 × 3 × x, ये 4 आ गए, 2 × 3 ये हो गए, और 1 × 4 x/6 हो गए, 4 से 4 गया और ये साइड गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 6 ही होगी, और ये 6 किलोमीटर ही आपका सही आंसर है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से हमारे ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल समझ आना जरूरी है। क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो बताएं जी, रिप्लाई करते रहें सभी, साथ साथ में रिप्लाई करिएगा, साथ साथ में रिप्लाई करिए। अगला सवाल, नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर/घंटा तथा नाभिक स्थिर जल में जो है 7 प्रति घंटा है, तो नदी के साथ 20 किलोमीटर जाना और वापस आने में कितना समय लगेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सेम सवाल आ रहे हैं, अब देखो फिर से वही आ गया, स्थिर जल, ये चीज ढूंढा करो, स्थिर जल में उसकी चाल कितनी है, कितनी है, 7 है, तो पहले तो हमें डाउनस्ट्रीम में जा रहा है, 7 उसकी स्पीड होगी,
ठीक है जी। तो नहीं जी, नहीं नहीं साथ उसकी ये होगी, ठीक है जी। एक बार जल का प्रवाह के साथ जाते हैं तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 7 3 कितने हो गए 10, प्रतिकूल जाते तो 7 - 3 कितने हो गए 4, ठीक है, कितने हो गए 4 हो गए। तो अब जाना कितनी दूर है 20 किलोमीटर, पूछा क्या है टाइम पूछा, और टाइम किसके बराबर होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड के बराबर होता है, ठीक है जी। तो अब इन्होंने हमसे पूछा क्या था 20 किलोमीटर जा रहा है तो 20 ये आ गया, ठीक है, और स्पीड कितनी होगी जी 10, तो कितनी होगी एक बार 2 हो गई, और एक बार क्या हो जाएगी 20/4 हो जाएगी, इसकी कितनी आ गई 5, 5 ये हो गए 2 ये हो गए, तो 2 + 5 कितने हो गए 7, तो 7 ही आपका घंटे जो है आपका आंसर होगा, और क्या होगा हवाई। क्वेश्चन भी आया, समझ आया ना भैया, तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे होते हैं, बहुत ही सिंपल से सवाल है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, फिर से पढ़िएगा। एक नाभिक का जल प्रवाह के साथ ए से बी तक जाने में जितना समय लेता है उसके तिगुने समय में वे में प्रवाह के विरुद्ध बी से ए तक वापस आता है। यदि शांत जल में वे 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चलाए तो जल के प्रवाह की गति कितनी होगी। अब करें क्वेश्चन, तो मैं आपके लिए इसके लिए मैं एक ट्रिक दे दूंगा और आपने उस ट्रिक को ही अपना लीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्या आएगा, जल प्रवाह n-1, ठीक है जी, और ये जल प्रवाह में स्पीड है, स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, और स्पीड इन स्टिल वाटर तो n+1 हो जाएगा, एक में -1 एक में, अच्छा प्रवाह के साथ है ना, तो इसलिए प्लस हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा क्योंकि वो अपोजिट में है। ये आ गया माइनस में, ठीक है ठीक है। अब देखो जल प्रवाह, जल प्रवाह कितना है जी, देखो बढ़ पढ़ो पढ़ो, ए से बी तक जाने में समय लेता है उसके तिगुना समय के, तिगुना मतलब एन टाइम्स के। अब शांत जल में 10 किलोमीटर, तो 10 ये आ गया, 3 ये आ गया, प्लस 1 हो गया, ठीक है। स्टिल वाटर बोला था ना, देखा ये देखो मिस्टेक देखो आप, समझ आ रहा है, स्टिल वाटर बोला है तो यहीं पे स्टिल वाटर, शांत जल ये है, यहां पर 10 आएगा, 3 - 1, और ये पूछा होना है आपसे, देख पढ़ो इस क्वेश्चन को पढ़ो, निकालना क्या है, ये है जल प्रवाह की गति ज्ञात करें, है ना, जल प्रवाह की गति, यानी कि ये जल प्रवाह यानी कि आपका स्पीड ऑफ फ्लो वाटर निकालना है, ठीक है, जल प्रवाह निकालना था, ठीक है। तो 3 × 1 = 4 हो गए, और 10 ये हो गया, और 2 ये हो गए, 4 ये हैं, ये फ्लो है, फ्लो ऑफ वाटर, यार वाटर फ्लो लिख देता हूं मैं इधर, वाटर फ्लो, ठीक है, ये 4 इसके नीचे ले जाओ कितना हो जाएगा 20/4, यानी कि कितना आ गया 5,
और पांच क्या आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है ना। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से, पर ये मेथड याद रखना पड़ेगा, जल प्रवाह n प्लस वन, स्टिल वाटर n माइनस वन, सिंपल से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे इस प्रकार से। फटाफट इसको तैयार रखें जी। अगला क्वेश्चन दिमाग में डालिए, देखो एक तैराक धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और उसका दुगना समय लेता है, तो आपको पता है कि वाटर फ्लो, पढ़ो पढ़ो बोलो, वाटर फ्लो एन प्लस वन, क्योंकि फ्लो के साथ जा रहा है इसलिए प्लस वन, इज इक्वल टू स्टिल वाटर एन माइनस वन, सिंपल सही तरीका है, ठीक है। अब इसमें किसकी निकालनी है, स्थिर जल में तैराक, स्थिर जल मतलब ये वाला निकालना है, ठीक है। अब दिया क्या है, पढ़ो इसको, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो धारा की गति, धारा की मतलब फ्लो ऑफ वाटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दुगना है तो 2 + n स्टिल वाटर और 2 + 1 कितना हो गया, 2 इसका आ गया 3, स्टिल वाटर इसका भी 3, 3 से 3 गया तो कितना आ गया आपका, 2 बच गया बच्चा, ये मिस्टेक तो नहीं होगी। अच्छा यहां मिस्टेक हो गई है, ठीक है, यहां पे मैंने यहां पे प्लस की जगह बेटा माइनस नहीं लिया था, प्लस कर दिया था, 2 - 1 1 आ गया और इसका आ गया 2 और इधर आ गया 3 तो 6 आ गया स्टिल वाटर में, ठीक है जी। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा डायरेक्ट आंसर आता है, डायरेक्ट आंसर आता है, पर आता कैसे है, थोड़ी सी आपको कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बनानी पड़ती है। तो एक और कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्वेश्चन आ गया है आपका, पढ़िए आंसर निकालिए। 4 गुना है ये है धारा की गति है, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर है, ठीक है। और निकालना क्या है, स्थिर जल में यानी कि स्टिल वाटर में, तो क्या होगा बोलो, फ्लो आ गया आपका कितना आ गया 6, दुगना है फ्लो के साथ जा रहा है इसलिए 4 + 1 हो गया, स्टिल आपको निकालना है स्टिल वाटर का, समझ आया है कि नहीं आ रहा है ये बताना जरा कमेंट करके, और 4 - 1 हो जाएगा और कुछ भी नहीं है बेटा, क्लियर हो रहा है जी, ठीक है। 3 से काट दो कितना आ गया जी, स्टिल वाटर में स्पीड कितनी आ गई जी, स्टिल वाटर में कितनी स्पीड आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो कि आपके लिए मैं लेकर आया था, और इसके बाद जो है हम नए क्वेश्चंस के साथ कल फिर से मिलेंगे, तो बने रहिएगा हमारे इसी चैनल पे, और अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।